नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक चीज देखा है कि अभी तक 400 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब के ऊपर मैंने डाले हुए हैं, जो अपना बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में, जिसका वीडियो अभी जो आप देख रहे हो वो वीडियो उसी चैनल से आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना भी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये जैसे ही अपलोड होगा वैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी घनश्याम चंगा जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न मुझे पूछा है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं। ये गुजरात से हैं और उन्होंने पूछा है कि मैंने नया प्लांटेशन किया है, अभी ब्रांचेस मैंने कैसे रखनी चाहिए। मतलब इनका जो प्रश्न है, ये प्रश्न है ट्रेनिंग और प्रूनिंग के संदर्भ में। ट्रेनिंग मतलब आपका पौधा कैसे होना चाहिए। देखिए, अनार का पौधा अगर आप जब लगाते हो और लगाने के बाद 6 महीने अगर उसके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, मैं आपको बोलता हूं इतने सारे वाटर शूट आ जाते हैं और पूरे के पूरे ओरिजिनल ब्रांचेस जमीन की तरफ झुक जाती है, और फिर कुछ दिनों के बाद ये पौधा दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, डिजीज भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है, और वाटर शूट अगर वहीं पे बढ़ेंगे तो वाटर शूट के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट भी आता है, और टॉपिंग अगर आप नहीं करोगे तो वो तो सीधा ऊपर ही जाएगा। और अनार का पौधा ऐसे ओपन छाता जैसे होता है ना, वैसे होना चाहिए, और अंदर सनलाइट आना चाहिए। जो पत्तों के ऊपर सनलाइट आएगा वही पत्ते आपके डिजीज फ्री रहेंगे, फोटोसिंथेसिस वही होगा, एनर्जी प्रोडक्शन वही पे अच्छा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जिनके पौधे बहुत ही ज्यादा खुले हैं, उनको सनलाइट अंदर तक जाता है तो उनको सेटिंग भी अंदर मिलती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन फोटोसिंथेसिस में होता है और उसी का नतीजा होता है कि आपको अच्छा फीमेल फ्लावर आ जाए। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग ये दो काम होते हैं। ट्रेनिंग मतलब आपका पौधे की कैनोपी कैसे आपको मेंटेन करना है, और प्रूनिंग मतलब जब आप बाहर लेते हो तो जो ब्रांचेस आपको निकालनी है और अंदर तक सनलाइट जाने के लिए उसको अच्छा कैनोपी मेंटेन करना है। तो अभी चंगा जी का जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। देखिए, आपने पौधा लगा दिया, हो सकता है टिश्यू कल्चर का हो सकता है गूटी का हो सकता है हार्डवुड कटिंग का हो। पौधा जब आपने लगवा दिया, उसको 1, 2, 3, 4 स्टेम हो सकते हैं। अगर आपको एक स्टेम रखना है तो एक ही स्टेम रख दीजिए, बाकी सब निकाल दीजिए। अगर आपको दो रखना है तो दो जो स्ट्रांग है वो रखिए, बाकी निकाल दीजिए। और अभी जब भी वो पौधा अच्छा ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तो जब वो ग्रो करेगा तो उसके बाद आपको टॉपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपाइकल डोमिनेंस है उसको ब्रेक कर दीजिए, ताकि वो पीछे जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस को अच्छी तरह से वो स्ट्रांग करेगा, रूट्स को स्ट्रांग करेगा। कितना भी हवा अगर आएगा तो झुकेगा नहीं। जो अपना नया प्लांटेशन का जो कोर्स है, जो 16-17 घंटे मैंने सिर्फ प्लांटेशन से पहले क्या करना है, प्लांटेशन के टाइम क्या करना है, और प्लांटेशन से लेके पहला बाहर जब तक आप नहीं लेते तब तक आपको कैनोपी मैनेजमेंट कैसे करना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना है, इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे करना है, क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब डिजीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, खरपतवार मैनेजमेंट कैसे करना है, टॉपिंग कैसे करना है, उसका ट्रेनिंग कैसे करना है, ये सब कुछ चीजें वो कोर्स के बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। अब मुझे लगता है कि चंगा जी ने वो कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, और वो और डिटेल में जाके 16 घंटे कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। 16 घंटे जब आप देखोगे, कोई भी नया किसान है जिसको अनार के खेती स्टार्ट करना है उनके लिए वो कोर्स है। मतलब अनार की खेती करना है और किस मिट्टी में अनार लगाना चाहिए, यही अगर पता नहीं है तो आगे तो फेल्योर ही आना है। तो कोर्स करके अगर पता चलता है कि मेरे मिट्टी में अनार नहीं होता है तो ये सक्सेस है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो कोर्स सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, और जो भी आपका प्रश्न था उसका आंसर भी मैंने यहीं पे दे दिया है। डिटेल में कोर्स में जाइए और पूरा का पूरा ज्ञान ले लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।